गेम करवा देते। मध्य प्रदेश के खरगोन में चोरियों पर किसी तरह की लगाम नहीं है, अब आए दिन चोरियां बढ़ने लगी है। शहर में अपराधी किस्म के लोग धड़ल्ले से बसते जा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ कार्यवाही के नाम पर पुलिस थाने से फरियादियों को बड़े साहब आएंगे तब कार्यवाही लिखेंगे यह कहकर लुटाया जाता है। आज खरगोन विधायक के मोहल्ले में दिन दहाड़े योगेश भावसर की दुकान में महिलाओं की एक गैंग ने चोरियों को अंजाम दिया है। फरियादी से शिकायती कागज लेकर मामले को पुलिस ने ही दबाने की कोशिश की है। खरगोन से अजय तिवारी रिपोर्ट। भावसर मोहल्ले में दुकान है, दीदी हमारी अकेले बैठे थे और ये 5-6 लेडीजें आई और उन्होंने क्या करा कि एक लेडीज ने आइसक्रीम के लिए उलझा दिया और बाकी ने पूरा खन खाली कर दिया सावन का, वो पूरा सामान और उठा के झोले में भर दिया झोली में, और झोली में उठाने के साथ में दीदी ने बोला ये क्या कर रहे हो तुम, बोले कि हम पैसे दे रहे हैं तुमको। दीदी ने बोला नहीं मेरे को पैसे नहीं चाहिए वापस सामान देखो। दीदी ने चिल्ला जोट करी जब ये सामान छोड़ के भगी और आधा दर्जा सामान लेके निकल गई। जब मैं आया मार्केट करके तब मेरे को बताया दीदी ने कि ये लेडीज सुन गई है, ये सामान चोरी करके ले गई अपनी दुकान से। मैं जैसे ही इनके पीछे लगा मैंने इनको गालियां दी और पुलिस को तत्काल बुलाया बावड़ी पर से, और बावड़ी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। कितनी महिलाएं? 4 से 5 महिलाएं हैं। बार बार बच्चे का संग घर और बच्चा भी इनका है कि किसी और का चोरी करके ले। ये कहीं तो पहले कभी आई थी दुकान पे? नहीं पहले कभी नहीं आई थी, ये पहली बार आई। क्या मालूम पड़ा कहाँ की रहने वाली? सब कुछ ये बताया जा रहा है खंडवा की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश भावसर।